स्थगित हो गया था और उसके बाद जिस प्रकार से आरजेडी ने सीबीआई पर लालू यादव के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया था और नारेबाजी की थी, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए सहयोगी गणेश सम्राट पटना से। गणेश, जिस प्रकार से आज आरजेडी के आज प्रक्रिया रही है विधानसभा के अंदर और एक न्यूज़पेपर में छपी खबर को लेकर पूरा हंगामा किया है, क्या लग रहा है, सदन की कार्यवाही चल पाएगी या स्थगित ही रह जाएगी, जिस प्रकार से चीजें हुई हैं आज? खुशबू, जिस तरीके से आज सीबीआई के कार्यशैली पे सवाल राजद ने अखबार से हवाला देके उठाया है, वो कहीं ना कहीं मामला दूर तक जाते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से विधानमंडल के दोनों सदनों में राजद ने जोरदार प्रदर्शन, नारेबाजी करते हुए बेल में जाके सदन के कार्यवाही करने में सभापति और अध्यक्ष दोनों को विवश कर दिया। हालांकि विपक्ष का कहना था कि सरकार इस पूरे मामले में विफल है, कि जैसे अगर सदन के किसी सदस्य के हाथ सीबीआई की कार्रवाई होती है, कोई जांच एजेंसी कार्रवाई करती है, तो सरकार को इस पूरे मामले में पहले साक्ष्य को देखना चाहिए कि आखिर जिसको आधार बना के छापेमारी या दो कार्रवाई की जा रही है उसमें वो सदस्य की कितनी भागीदारी है या नहीं है। लेकिन सरकार इस पूरे मामले में आंख बंद की होता है, कहीं ना कहीं सरकार की राजामंदी के बाद इस तरह की कार्रवाई की गई थी और अब इसका प्रमाण अब देखने को मिल रहा है, जब अखबार में सीधे तौर पर यह हवाला दिया गया है सीबीआई के पास किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं था, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारों पे राज्य सरकार की मिलीभगत के बाद यह कार्रवाई की गई थी। ऐसे में जब तक सरकार जवाब नहीं देगी इस पूरे मामले पे, तब तक हम सदन में अपनी सवाल उठाते रहेंगे, जिसके वजह से सदन की कार्रवाई बाधित होती रहेगी। तो अमूमन यह कह सकते हैं कि पहले हाफ जिस तरीके से सदन की कार्रवाई राजद के हंगामे के वजह से हंगामे की भेंट चढ़ गई, अभी सदन की कार्रवाई दोबारा 2 बजे से शुरू हो रही हुई है, अभी तमाम सदस्य धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो गए हैं विधानसभा में एक बार फिर से। अब देखना है कि आखिर विपक्ष अपने सवाल पे पूरी तरीके से जुटी हुई है। जिस तरीके से विपक्षी सदस्यों का कहना है कि हम जब तक जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिल पाता हम विपक्ष में बैठे हैं, मेरा काम है सरकार की कमियों को गिनाना, सरकार की कमियों को सदन के सामने रखना, लेकिन सदन हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सदन में हम जब अपनी सवाल उठाते हैं तो हमें नजरअंदाज कर दिया जाता है, मजबूरन हमें बेल में जाना पड़ता है, जिसके बाद कार्रवाई स्थगित हो जाती है। तो दूसरे तरफ जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष बेवजह के मुद्दे, बेवजह के जो बातें हैं उसे सदन के अंदर लाया जा रहा है। सीबीआई से जुड़े मामले कोई सदन के अंदर नहीं रखा जाता है। श्रवण कुमार में विपक्ष पर पूरी तरीके से आरोप लगाया है कि विपक्ष संसदीय जो प्रणाली है उसमें विश्वास नहीं रखना चाहता और यही वजह है कि विपक्ष बार बार वेल में जाके या प्रश्नकाल के दौरान या दूसरे जब वाद विवाद चल रहा तो ऐसे में सदन के अंदर विपक्ष बेजरूरत के जो सवाल होते हैं उसे उठाया जा रहा है, सीबीआई जैसे मामले उठाया जा रहा है जिसका सदन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में सरकार तमाम प्रश्नों के जवाब देने में सक्षम है, तमाम प्रश्नों से जवाब सरकार के पास है, लेकिन विपक्ष नहीं चाहती है कि सदन की कार्रवाई सुचारू ढंग से चल पाए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष और सत्ता में यह ठनी हुई है कि अब कार्रवाई नहीं चल पाएगी क्योंकि मुद्दे हमारे हैं, लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच जो सवाल है वो आम जनता के सवाल है, जनहित से जुड़े सवाल, उनकी समस्या इन सत्ता और पक्ष की लड़ाई में बिल्कुल गौड़ होती दिख रही है। खुशबू, धन्यवाद गणेश तमाम जानकारियों के लिए। तो निजी अखबार में छपी रिपोर्ट के आधार पर हंगामा, विधानमंडल में आरजेडी का ये हंगामा देखने को मिला है और सड़क से लेकर सदन तक ये सारी बातें उठाने की बात कही गई है। अररिया वायरल वीडियो के बाद बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भारत की धरती पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो वायरल होने के बाद अपनी चमड़ी बचाने के लिए आरजेडी की झूठी दलीलों पर जनता भरोसा नहीं कर सकती है। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू को सीबीआई के द्वारा रेलवे आवंटन घोटाला साक्ष्य नहीं होने के बाद नाम आने के सवाल पर नंद किशोर ने कहा कि पूरा मामला न्यायालय के अधीन है। ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भारत की भूमि पर जो लगाएगा किसी भी हालत में उसको बख्शा नहीं जाएगा, और ये आज पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद
अपनी चमड़ी बचाने के लिए आरजेडी की थोती दलीलों पर देश विश्वास करने वाला नहीं है, राज्य विश्वास करने वाला नहीं है। मामला न्यायालय के अंतर्गत है, न्यायालय सारे बातों को देख रहा है, सुनवाई कर रहा है, सजा वो दे रहा है, तो हमारे बारे में क्यों बोलते हैं? जाके बोले न्यायालय में अपनी बात कहें, न्यायालय का फैसला सबको मानना चाहिए। माले विधायक महबूब आलम ने अररिया में आरजेडी की जीत के बाद वायरल वीडियो में एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप लगाया है और विधानसभा में नारेबाजी की है। उन्होंने कहा अररिया में बीजेपी हार के बाद षड्यंत्र कर वहां के लोगों को आतंकवाद का नाम देकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान के लिए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है और कहा है कि बीजेपी हार के बाद बौखला गई है। बीजेपी का जो सांप्रदायिक फांसीवाद का मंसूबा है उसको एक करारा जवाब दिया गया, करारा थप्पड़ है और बीजेपी के अंत की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए बीजेपी बौखला गई है, अपने नेताओं से देश में सांप्रदायिक और भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने भड़काऊ बयान दिया है, हम गिरिराज सिंह के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के खिलाफ रोक लगाने की मांग करते हैं। और अररिया आतंकवादियों का घर नहीं, अररिया अल्पसंख्यक और गरीब इलाके का घर है, 80% जनता वहाँ बीपीएल रेखा के नीचे।